नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जल संसाधन मंत्री आज गोंडा में दौरा करने पहुंचेंगे। मंत्री महेंद्र सिंह का दो जगहों पर आज कार्यक्रम होगा, जहां पर 10:30 बजे करनौलगंज पहुंचेंगे मंत्री और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तुलसी स्मारक वहां से जाएंगे। और इसी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी एक अहम बैठक की जाएगी और दोपहर 2:30 बजे के आसपास लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोंडा पहुंच रहे हैं आज और इस बीच 2:30 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे मंत्री। आज गोंडा पहुंचेंगे जल संसाधन मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना और इसी के साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह का दो जगहों पर कार्यक्रम है जहां वो हिस्सा लेंगे और इसी के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। एक अहम बैठक के भी यहां पर आयोजन किया गया है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम का शिकंजा कस चुका है। इको ग्रीन को अब हर घर से कूड़ा उठाने का आदेश दिया गया और यूजर चार्ज न देने पर इको ग्रीन लगाएगा जुर्माना। मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी के साथ ही अब इको ग्रीन को लेकर ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, जहां पर जुर्माने की बात कही जा रही है। मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, इको ग्रीन अब हर घर से कूड़ा उठाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम का ये कड़ा रुख, जिसके चलते अब इको ग्रीन को हर घर से कूड़ा उठाना होगा और इसी के साथ ही सर्विस चार्ज को लेकर भी यहाँ पर कई अहम संशोधन किए गए और इको ग्रीन को अब हर घर से कूड़ा उठाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यूजर चार्ज न देने पर इको ग्रीन जुर्माना लगाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जुर्माना जो है, मेयर और नगर आयुक्त ने जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें पंपोर इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ये मुठभेड़ हो गई और इस दौरान हमारे जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन करने गए तो आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान जब सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, इस दौरान एक आतंकी मारा गया है।